आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एन्जाइटी के केसेस आज भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। इस किताब में से आप खुद अपनी वरी, एन्जाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये किताब डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है। इस किताब के लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस किताब को लिखा है। एक समय था जब लेखक भी बहुत चिंता करते थे और इससे उनकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ा था, इसलिए उन्होंने चिंता को दूर करने के लिए इस किताब को लिखा और आज ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुकी है। दोस्तों, वैसे इस किताब के हर एक चैप्टर में डिटेल वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम पहले दो चैप्टर्स और उसमें डिटेल वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी दीमान। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है। लेखक कहते हैं कि रीज़न ढूंढ ना पाने की वजह से कन्फ्यूज़न बढ़ती है और कन्फ्यूज़न से चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि आप चिंतित क्यों हैं तो आपका दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के लिए लेखक ने इस चैप्टर में 3 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप नंबर 1 है, एक कागज पर आप लिख लें कि आप किस चीज़ की वजह से चिंतित हैं। क्या नौकरी की चिंता है, एग्ज़ाम की चिंता है, या घर लेने की चिंता है। जो भी कारण है उसे आप पेपर पर लिख लें। इससे दिमाग को ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वह देख पाएगा कि एक चीज़ की चिंता है या 3 चीज़ की या फिर 6 चीज़ की। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं। फिर वह अपने आप उसका सोल्यूशन ढूंढने लग पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 है, यानी अगले स्टेप में ये लिखिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, घर लोन पे ले सकता हूँ आदि। जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है आप वो लिख लीजिए। अब तीसरे स्टेप में, यानी इसके बाद आप फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को आप शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, ये पहला स्टेप हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं होगी, खाली दिमाग में ही चिंता के विचार घूमने लगते हैं। लाइव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। चिंता को दूर करने का एक अगला तरीका ये भी बताया गया है इस चैप्टर में, लाइव इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जिए। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हमें खुद और ज़्यादा चिंता हो जाती है। ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी कुछ गलत सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। लेखक ने बताया है कि हमें ना तो पास्ट की चिंता करनी है और ना ही फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है और फ्यूचर किसने देखा है। क्या कोई अपनी मरी हुई माँ को याद करके 10 साल बाद दोबारा से रो सकता है? जी नहीं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है, अब उसे याद करके क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी पुराने झगड़ों को याद करके दुखी मत होइए। लेखक बताते हैं कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी से रहना चाहिए। इसी चैप्टर में नेक्स्ट ट्रिक ये है, बुरे से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। इस ट्रिक में लेखक ने ये बताया है कि ये सोचें कि आखिर बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज़ आप सोच लें, फिर उससे निपटने का रास्ता सोच लें। इससे आपकी चिंता लगभग ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। ऐसे में आपको ये सोचना है कि ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या हो जाएगा, क्या आप भूखे मर जाओगे? नहीं ना। इसके बाद कई सारे ऑप्शन आप सोच लें, जैसे ढाबे पर काम कर सकते हैं,
लोग करते ही हैं, चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ये काम तो सब मिल जाते हैं आसानी से। ये सब सोच के आपको खुद पर शायद हंसी भी आ जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर आपको इन छोटे मोटे कामों से तो कहीं अच्छी जॉब आसानी से मिल जाएगी, राइट। लेकिन ये मकसद खुद को ये बताना है कि बुरी से बुरी हालत में भी आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक है, बुरी से बुरी सिचुएशन सोचें और फिर उस सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए मेथड्स भी सोच लें। ये सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वह उस विषय पर चिंता करना बंद भी कर देगा। दूसरा चैप्टर है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट्स बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है। कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत सी लग जाती है। सोते जागते, उठते बैठते, बस वे चिंता ही करते रहते हैं। इससे एक दिन वो बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो OCD हो जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ही चीज़ को वो बार बार करने लगते हैं। शायद आपने ऐसे कई लोगों को देखा भी होगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने की आदत को दूर करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपी रखें, कोई ना कोई काम करते रहें, लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग या फिर थका देने वाला काम करने लगें। किसी हॉबी में मन लगाएं, एक्सरसाइज करें या डांस करें। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। दूसरा है लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों की कभी भी चिंता ना करें। जैसे कुछ मदर्स हमेशा ये चिंता करती रहती हैं कि बेटा अभी बाज़ार गया है, पता नहीं सुकुशल पहुंचा होगा या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया आदि। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तीसरा है डोंट फाइट इनविटेबल। दोस्तों, कई बार कुछ चीज़ें होकर ही रहती हैं, उन पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, फिर उसकी चिंता करना क्यों है? अगर चिंता करेंगे तो वो चीज़ क्या नहीं होगी? अगर कोई बीमारी लगनी है तो वो लगेगी ही, जॉब जानी होगी तो वो जाएगी, भूकंप आना होगा तो वो आएगा ही आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज़ होकर ही रहेगी, रुक नहीं जाएगी। तो फिर चिंता करके खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाए? तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि इस किताब के हर एक चैप्टर में डिटेल वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं। अगर एक ही वीडियो में हम सब कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के चैप्टर्स आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली, इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।